हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। एक सब्जेक्ट है आपका माइनर के अंदर, जिस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आज हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एग्ज़ाम पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आज की वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और सबसे ज़्यादा इसमें चैप्टर्स है, यूनिट है और सबसे बड़ा ये आप कह सकते हो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन के अंदर, और सबसे ज़्यादा इसमें लिखना भी पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, सिलेबस की बात करूँ, तो टोटल इसमें 9 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो इसमें यूनिट रहेगा, पहले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें आपका बेसिक फीचर आप पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ोगे, ये सारा आपका रहेगा इसमें, ठीक है। दूसरा यूनिट, दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, कि जो स्टेट कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तीसरी यूनिट में आप पढ़ोगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में। चौथा आप पढ़ोगे सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, कास्ट, क्लास, जेंडर के बारे में। पांचवा पढ़ोगे रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट्स एंड सेकुलरिज्म के बारे में। फिर आपका छठा यूनिट जो रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। फिर आपका यूनिट 6 रहेगा डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे। फिर सातवां जो चैप्टर पढ़ोगे वो रहेगा आपका सोशल मूवमेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, एनवायरमेंटल एंड वुमन मूवमेंट्स। फिर आपका नौवां जो रहेगा इसमें द नेचर ऑफ स्टेट एंड इंडिया, डेवलपमेंटल वॉलफेयर और रेगुलेटरी। तो ये सारा आपका रहेगा, पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। तो ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उसके एग्ज़ाम पैटर्न। तो जो पहला चैप्टर इसमें रहेगा वो है भारतीय संविधान के बारे में, इकाई बनने पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे नोट कर लीजिए चैप्टर। तो इसमें आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान रूप में संघीय है या एकात्मक है, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पांचवा इम्पोर्टेंट रहेगा संविधान सभा की भूमिका एवं बनावट की चर्चा करें, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे पहला, दूसरा, पाँचवा, नोट कर लीजिए पहले चैप्टर। फिर आपका दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार और राज्य में नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक वाद विवाद। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिए चैप्टर के, फिर मैं पैटर्न भी डिस्कस करूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से लिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी आपको विस्तार से विवेचना करनी है। दूसरा रहेगा मौलिक अधिकार राजनीतिक और नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक है, प्रकृति आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है पहला, दूसरा, तीसरा रहेगा इसमें मौलिक अधिकार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, विवेचना करना है। फिर आपका रहेगा पांचवा, आम नागरिकों पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का प्रभाव देखा है, उदाहरण स्वरूप समझाइए। तो ये आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर। फिर आपका यूनिट 2 यानी इकाई 2 में आप पढ़ोगे राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण और राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे देशी रियासतों के विलय संबंधी नीतियों का परीक्षण कीजिए, एक ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 पहला, दूसरा, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा अगर पूछा जाता है ना, स्वतंत्रता के पश्चात गठित नए राज्यों का उल्लेख कीजिए, तो कौन कौन से नए राज्य बनाए गए थे, ध्यान से सुनिए कौन कौन से थे। एक आपका उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है, एक आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्य हो गया तो भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर विभाजित हुए थे। जब आप ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, ये चौथा वाला ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका इकाई 3 का, केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री एक संविधानिक बॉडी है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, पद है प्रधानमंत्री। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें कार्यपालक के रूप में प्रधानमंत्री कार्यों में शक्ति को विवेचना करनी है। फिर दूसरा रहेगा भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका, पहला दूसरा, और आपका रहेगा छठा इम्पोर्टेंट रहेगा प्रधानमंत्री की दल एवं संसदीय भूमिका का अध्ययन करना है, और सातवां, ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे चैप्टर से। फिर आपका नेक्स्ट है संसद, संसद से कौन कौन से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, इसमें आपके इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर टू, संसद की विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, और क्वेश्चन नंबर थ्री, पहला नहीं है इतना, ठीक है, दूसरा तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा संसद वाले चैप्टर। फिर आपका है चैप्टर थ्री यूनिट टू में से न्यायपालिका, जिसे कहते हैं ज्यूडिशरी, ठीक है ना, तो जरा देख लीजिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की मूल शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन करिए, यह किस प्रकार भारत के संघीय मामलों का निपटारा करता है, तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री, न्यायिक सक्रियता किस प्रकार मौलिक अधिकार को संरक्षण करती है, और क्वेश्चन नंबर फोर, रिट किसे कहते हैं, ठीक है, बस ये करना है आपको इस चैप्टर से, नोट कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है इकाई फोर का, राजनीतिक सत्ता में सामाजिक संरचना, इसका चैप्टर वन, भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में, तो जरा देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन, भारत में विशेष रूप से जाति के संदर्भ में शक्ति की संरचना का वर्णन करें, क्वेश्चन नंबर टू इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपका इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर, ठीक है, नोट कर ले। फिर आपका रहेगा चैप्टर टू, भारत में शक्ति संरचना वर्ग के संदर्भ में, तो जरा देख लेते हैं, पहला था जाति के संदर्भ में, अब वर्ग के संघर्ष में, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, तो इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे, पहला, भारत में जाति और वर्ग सांठगांठ पर एक टिप्पणी लिखे, क्वेश्चन नंबर टू इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपका इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसमें रहेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे जो फैमिली होती है उसमें पुरुष ही प्रधान होता है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, तो इसमें आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर फोर, महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पहला, चौथा, और आपका तीसरा, बस इसमें भी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। फिर आपका है इकाई फाइव यानी यूनिट पाँच, यूनिट फाइव का आपका रहेगा इसमें पार्ट वन, सेकुलरवाद और विचार विमर्श, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे चैप्टर से, जरा नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर से आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, क्या भारत एक सेकुलर राज्य है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर फोर, बस ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट टू, सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ये कर लेना, ये तो आना ही आना है क्वेश्चन नंबर टू, भारत में सांप्रदायिकता के उदय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका पर विश्लेषण लिखी है, जो सांप्रदायिकता आंदोलन होते हैं वो क्यों होते हैं, इनका मेन रीज़न पता है क्या है, कि एक दूसरी जाति के साथ घृणा करना, बस दूसरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला भी कर लेना, पहला दूसरा बस ये कर लेना इसमें चैप्टर से। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट सिक्स का, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जरा नोट कर लीजिए, तो इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, भारत में राजनीतिक दल के विकास और क्षेत्रीय दलों का उदय, बस ये दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, फिर आपका यूनिट सिक्स में स्वतंत्रता के 50 से भारत में विकास की कार्यनीति, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवाद, तो नोट कर लीजिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन नंबर वन, पहली पंचवर्षीय योजना में अपने भारत के नियोजित विकास को क्या समझा, क्वेश्चन नंबर टू इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, पहला और दूसरा, ठीक है। फिर आपका है आठवां चैप्टर, सामाजिक आंदोलन, मजदूर, किसान, पर्यावरण और महिला आंदोलन, तो आप देखिए एक ही चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स हैं, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और महिला आंदोलन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं देख रहे, ठीक है ना, मैं समझ जाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है। इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन नंबर टू, भारत में महिला आंदोलन
पर्यावरण आंदोलन, कृषक आंदोलन और ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये आपके चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर नेक्स्ट है नौवा चैप्टर जो कि लास्ट है, भारतीय राज्य की परिवर्तित प्रकृति, विकास विकासात्मक और कल्याणकारी आयाम। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लिए। तो इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर वन, किस प्रकार से उपनिवेशी काल में भारत एक विकासात्मक राज्य के रूप में उभरा, 1991 से पूर्व विकास में पहलू पर व्यक्ति की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर वन इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री इम्पोर्टेंट रहेगा, 1991 में भारत हुए आर्थिक सुधारों के लिए कौन कौन से कारण है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, पहला तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है उत्पीड़क आयाम पार्ट टू, नौवे इकाई का, तो जरा देख लेते इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लास्ट चैप्टर है, फिर उसका एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका इम्पोर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, किस प्रकार राज्य नक्सल आंदोलन के संबंध में गैर राज्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने तंत्र का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर वन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपका रहेगा आपका इसमें क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर, पहला दूसरा चौथा, तो यही लास्ट चैप्टर है। अब जरा एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था इसी सब्जेक्ट का, वो कैसा आया था। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का, सीबीसीएस का, और आपका एनईपी है, तो हो सकता है कुछ चैप्टर ऐड किए गए हो, कुछ हटाए गए हो, ठीक है। तब भी आप पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड रहते हैं। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो जरा देख लेते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर में मौलिक अधिकारों तथा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों का विश्लेषण कीजिए, ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया। तीसरा पूछा गया, भारतीय संसद की बदलती हुई प्रकृति की विवेचना कीजिए। चौथा पूछा गया, न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का समीक्षा कीजिए। देखिए कुछ चैप्टर्स इसमें वही है सेम जो अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा था। फिर आपका पांचवा रहेगा, शक्ति की संरचना के मुख्य कारक के रूप में पितृसत्ता किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, पितृसत्तात्मक वाले में से पूछा गया है। छठा है आपका, भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित वाद विवर्षों पर एक लेख लिखिए। सातवां, भारत में दलीय व्यवस्था का भी देखिए आ गया ना। फिर आठवें में टिप्पणी पूछेगा, पर्यावरणीय आंदोलन मैंने अभी करवाया था आपको, नव सामाजिक आंदोलन, गठबंधन राजनीति। फिर आपका चौथा है, श्रमिक संगठनों की भूमिका। तो यही सारे ऐसा ही पेपर आया था और सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और आपका पेपर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच। और इंग्लिश मीडियम वाले आप इस पेपर से भी अपनी तैयारी कर सकते हो, सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर चुका हूँ, आप आसानी के साथ कर सकते हो। आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।